दोस्तों आज मैं आप लोगों को पेलिकन पंछी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पेलिकन पंछी समुद्री क्षेत्रों के पास पाए जाते हैं। इस पंछी की दुनिया भर में करीब 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। पेलिकन पंछी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस पंछी का निवास स्थान जल स्रोतों के पास होता है, मुख्यतः समुद्री तट के पास ये पंछी रहते हैं। समुद्र में पाए जाने वाली मछलियों का शिकार करके पेलिकन अपना पेट भरता है। ये पंछी की विशेषता इसकी लंबी चोंच है, जिससे ये अपने शिकार को पकड़ता है। पेलिकन पंछी दुनिया की सबसे लंबी चोंच वाली पंछी है। लंबी चोंच के अलावा चोंच के नीचे मौजूद थैली पेलिकन बर्ड की पहचान है। इस तरह की थैली दुनिया में किसी भी पंछी के पास नहीं होती है। ये अपनी चोंच से पानी की सतह से मछली को निगल लेता है। यह अपनी चोंच से पीने के लिए बारिश का पानी भी कैच करता है। पेलिकन की चोंच के अंदर एक छोटी मजबूत जीभ होती है, जो कि बड़ी मछली को निगलने में मदद करती है। पेलिकन चोंच को खोलकर पानी में डुबो देता है, जिससे चोंच की थैली पानी से भर जाती है। थैली में पानी के साथ साथ मछली भी आ जाती है। ये पंछी पानी को चोंच से निकालकर मछली को निगल जाते हैं। ये मछली का शिकार करने की यूनिक टेक्निक है। वैसे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी चोंच की थैली में करीब 10 लीटर तक का पानी स्टोर किया जा सकता है। ये पंछी बहुत अच्छे तैराक होते हैं। ये पानी की सतह से ही उड़ान भर सकते हैं। इसका कारण पेलिकन के पैरों की झिल्ली नुमा जालीदार बनावट है, जो इसे तैरने में मदद प्रदान करती है। शरीर की तुलना में पैर बहुत छोटे होते हैं। जालीदार पैर होने के कारण तैरने में तो आसानी होती है, लेकिन जमीन पर चलना पेलिकन के लिए काफी मुश्किल होता है। इसकी लंबाई औसतन 50 इंच के आसपास होती है, जबकि अगर इनके वजन की बात करें तो पेलिकन का वजन करीब 10 से 15 किलोग्राम तक होता है। बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि इतना अधिक वजन होने के बावजूद भी ये आसमान में हजारों मीटर ऊपर उड़ पाता है। इनके पंखों का फैलाव करीब 11 फीट तक होता है। नर पेलिकन मादा की तुलना में अधिक वजनदार और बड़ा होता है। नर की चोंच भी मादा से बड़ी होती है। इनका मुख्य भोजन मछली है। वैसे मछली के अलावा केकड़ा, छोटे कछुए, इंसेक्ट इत्यादि भी ये खाते हैं। ये एक मांसाहारी पंछी है। पेलिकन ये पंछी केवल दिन के समय ही शिकार करता है। पेलिकन पंछी का शिकार बहुत कम होता है, लेकिन जल प्रदूषण के कारण इनकी संख्या में कमी हुई है। ये पंछी अपना घोंसला तटीय इलाकों में बनाता है। अधिकतर पेलिकन पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। कुछ पेलिकन प्रजाति जमीन पर भी अपना घोंसला बनाते हैं। ये सैकड़ों की संख्या में झुंड बनाकर रहते हैं। पंखों, पत्तियों और छोटी टहनियों से पेलिकन पंछी घोंसला बनाते हैं। इनकी खास बात यह है कि पेलिकन प्रवास के दौरान हमेशा झुंड में उड़ते हैं। मादा पेलिकन एक बार में 1 से 4 अंडे तक देती है। अधिकतर मौकों पर 1 या 2 अंडे ही मादा देती है। मादा का कार्य अंडों को सेने का होता है, और करीब 4 से 5 हफ्तों बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। ये पंछी मुख्यतः साइबेरिया से भारत आते हैं। गुजरात का कच्छ क्षेत्र इन पंछियों का प्रिय स्थान है। ये पंछी हर साल साइबेरिया से भारत आते हैं, इसी कारण पेलिकन को प्रवासी पंछी भी कहा जाता है। पेलिकन को गर्म क्षेत्र पसंद आता है। सर्दियों का आगमन होते ही पेलिकन का प्रवास शुरू हो जाता है। ये पंछी मुख्यतः भोजन और प्रजनन के लिए भारत प्रवास करते हैं। इस पंछी का औसतन जीवन काल करीब 20 से 22 सालों का होता है। तो मैंने आपको पेलिकन पंछी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।